नमस्कार दोस्तों, इंजन विद टीवीज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट क्षितिज द्विवेदी। आज अपन बेस्ट फीचर्स की बात करेंगे टाटा नेक्सॉन ईवी की, जो इसका फेसलिफ्ट आया है। कौन कौन से फीचर्स यहां पे आपको देखने के लिए एकदम यूनिक मिलते हैं, उन्हीं की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। लुक्स की बात करें फ्रंट और रियर से, तो जो एलईडी बार दिया गया है कनेक्टेड, वो बेहद फ्यूचरिस्टिक लगता है। और जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हो तो आपको एनिमेशन तरह तरह के मिलते हैं, जो कि बहुत आंखों को प्लीजिंग लगते हैं, गाड़ी के लुक्स को फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। जब आप गाड़ी को चार्ज पे लगाते हो तब भी आपको एनिमेशन देखने के लिए मिलता है रियर में एज वेल एज फ्रंट में, और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। मतलब फुल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसकी लाइट्स में लिटरली किया है, और पूरा जो हेडलाइट सेटअप है, टेल लाइट सेटअप है, पूरा एलईडी का मिलता है। जो दो फीचर और मुझे अच्छे लगे वो है इसमें अब आपको फाइनली व्हीकल टू लोड एज वेल एज व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग वाला फीचर दे दिया गया है। व्हीकल टू लोड जो है वो 3.3 kVA कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। लाइक आप इससे कॉफी मेकर वगैरह चला सकते हो, जैसे टाटा ने जो एक कैफे रन करके दिखाया था, और जो कंपैटिबल ईवी है उसको व्हीकल टू व्हीकल फीचर की मदद से आप 5.5 kVA से चार्ज भी कर सकते हो। तो ये दोनों फीचर जो है बड़े हाई एंड गाड़ियों में आता था इलेक्ट्रिक में, लेकिन अब इसमें भी दे दिया गया है। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 12.3 इंचेस का देखने के लिए मिलता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सेगमेंट का सबसे बड़ा है। साथ ही साथ आपको ऐसे फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं लाइक वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिलता है, इवन आप यहाँ पे आरकेडीवी के मदद से डिफरेंट ओटीटी एप्लीकेशंस को एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ जो JBL के 9 स्पीकर दिए उसमें जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है। व्यू देगा ना इंफोटेनमेंट सिस्टम, लाइक इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा भी आता है, तो जब आप 360 डिग्री कैमरे का पूरा डिस्प्ले देखोगे तो काफी बड़ा क्रिस्प और क्लियर डिस्प्ले दिखेगा, और आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी बन जाएगी। नेक्स्ट जो सबसे अच्छा फीचर लगा वो इस गाड़ी का है स्टीयरिंग व्हील, जो टाटा का नया ट्विन स्पोक वाला जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है विथ इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो, बेहद फ्यूचरिस्टिक लगता है। और साथ ही साथ एक लग्जरी और प्रीमियम गाड़ी वाला फीचर ये लगने वाला है। नेक्स्ट जो सबसे अच्छा फीचर लगा, इंस्ट्रूमेंट पैनल इस गाड़ी का फुली डिजिटल मिलता है 10.25 इंचेस का, जो कि आपको काफी अच्छा नेविगेशन में व्यू वगैरह दे देता है। इसमें डिफरेंट आपको व्यूज मिलते हैं, डायल व्यू वगैरह वगैरह, जिससे आपको जब गाड़ी को ड्राइव करते समय एक्सपीरियंस रहेगा बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके साथ इस गाड़ी में आपको Amazon Alexa, साथ ही साथ Siri, साथ ही साथ Google और Tata की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा Z Connect फीचर तो है ही, और पहले क्या था जो शिफ्टर लिवर था वो एक नॉर्मल सा डायल था, रोटरी डायल था, लेकिन इस बार आपको फुली फ्लेजेड वो जैसा लैंड रोवर वगैरह में शिफ्टर आता है, बस आपको एक बार टच करना है, वो एक स्पोर्टिनेस वाला इस बार इसमें आपको दिया गया है। और रीजनरेशन के एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं। तो ये कुछ फीचर्स है जो इस बार इस गाड़ी में यूनिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी एक डिटेल वीडियो जब गाड़ी फिजिकली देखने के लिए मिलेगी तब आपके लिए लाया जाएगा। और इसमें अब आपको दो मॉडल्स आएंगे, ईवी मैक्स और ईवी प्राइम वाला खेल खत्म, नेक्सॉन ईवी ही रहेगी। लेकिन एक रहेगा लॉन्गर रेंज मॉडल, जो मतलब ईवी मैक्स थी पहले, और एक रहेगा मीडियम रेंज मॉडल, जो पहले नॉर्मल ईवी प्राइम हुआ करती थी। बैटरी पैक्स वगैरह में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इसकी मोटर में है। जेन 2 मोटर का इस्तेमाल किया गया है, और जिससे एफिशिएंसी भी आपकी अच्छी खासी है, और 2% आपको एक्स्ट्रा रेंज यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, बिकॉज जो एरोडायनामिक्स का इस्तेमाल किया गया है, लाइक पीछे जो स्पॉइलर में कॉन्सील्ड वाइपर वगैरह दिया है इस बार, तो एक बेटर प्रोडक्ट ये बना रहा है, एक अच्छा रिफाइनमेंट आपको दिखेगा डेफिनेटली, इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी हद तक है। सो ये था मेरी एक वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत नेक्सॉन ईवी के बारे में। बाकी फिजिकली जब और डिटेल देखूंगा मैं तब आपके लिए और शेयर करूंगा।